हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं अगरतला आया हुआ था, और अगरतला में आज मेरा काम कंप्लीट हो चुका है जिस काम से मैं आया था। तो वापस से मैं राजस्थान जा रहा हूँ, राजस्थान कोटा जहाँ मैं रहता हूँ। तो आज हम आए हैं महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डे पर, जो अगरतला में है। इसी से नई दिल्ली जाएंगे और वहाँ से फिर ट्रेन से घर जाएंगे। तो यार, ये मेरी फर्स्ट हवाई यात्रा, इससे पहले कभी मैंने की भी नहीं। तो कई लोग जो पहली बार जो फ्लाइट में जाते हैं, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे क्या होगा, क्या सिक्योरिटी चेक में क्या क्या आपके लिए प्रूफ चाहिए, लोगों में टिकट कैसे होगा बुकिंग के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके लिए आपको अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आई कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो आपके पास होना ज़रूरी है। और टिकट साहब वो चेक करेंगे, उसके बाद आप अंदर जाएंगे, कैसे क्या करना है। तो मैं आपको फ़िलहाल ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टूर होने वाला है वो अलग अलग डिवाइजेशन में है। मैं पहले कोलकाता जाऊँगा, कोलकाता के बाद मैं दिल्ली निकलूँगा। तो मैं आपको फुल डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हमारा बैग कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी में जमा होंगे, और कितना हम साथ में क्या क्या ले सकते हैं, बोर्डिंग पास कैसा लेना है, सिक्योरिटी चेकिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अपने को सिक्योरिटी में कोई ऐसे कोई नहीं, तो मैं उसके लिए बताना। अगरतला का एयरपोर्ट है जो काफ़ी बड़ा है, और इसके बाहर ये गार्डन है जिसमें हम यहाँ से वीडियो बना रहे हैं। गेट बंद कहाँ हो रहा है, मुझे तो आने थे। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, और सीन ये है कि मेरा आधार कार्ड मिल नहीं रहा था, और एंट्री गेट पे आधार कार्ड मांगते हैं कुछ अपनी आईडी प्रूफ के लिए। तो बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे बैग में मिल गया। आर्मी के जवान ने बोल दिया था कि अगर मोबाइल में होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप साथ रखें तो बेटर रहता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे एकदम मॉल की तरफ बना हुआ है अगरतला का हवाई अड्डा वीर विक्रम सिंह, काफ़ी बड़ा है पूरा। यार मुझे तो मॉल लग रहा है ये हवाई अड्डा। ऊपर देखिए लाइट फिनिशिंग, और बैठने की हर जगह, ये पता नहीं काहे की लाइन है, देखना पड़ेगा अंदर जाके। पूछते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भैया? आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैग वगैरह सभी जमा होंगे। ठीक है, ये आधार कार्ड। वहाँ पर बैग जमा होते हैं तो, और आधार कार्ड आईडी चेक करते हैं कि हाँ ये आप ही का नाम का है। तो हमारे स्टिकर नहीं लगा हुआ था, तो हम स्टिकर लगवाने आए हैं, फिर वो बैग जमा करेंगे। भैया मेरा भी ट्रिमर पड़ा, वो तो नहीं निकलेगा ना? सर ट्रिमर, ट्रिमर नहीं, ट्रिमर नहीं निकलेगा। दोस्तों जहाँ पर स्टिकर लगाए बैगों के, वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, और यहाँ पर कई जगहों पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। वहाँ स्टिकर लगा के उन्होंने हमें फ्लाइट के टिकट दे दिए। फ्लाइट का टिकट मैंने ऑनलाइन करवाया था इंडिगो की साइट पर जाकर, जो अराउंड 8,500-9,000 का पड़ा था। बाकी ठीक है, ज़्यादा वो एक्सपेंसिव भी नहीं था, पर ठीक है, काम चलाओ है। और वहाँ से मुझे हाँ टिकट दिया है, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन करवाया था। तो मैं आपको टिकट बताता हूँ दोस्तों, ये है टिकट फ्लाइट का, और इस पर मेरा नाम लिखा हुआ कमलेश शर्मा। दो टिकट दिए दोस्तों, बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ अलाउ नहीं है, तो ये चीज़ ले जाना अलाउ नहीं है। सारे सामान हमारे चेक हो रहे हैं, और सब इकट्ठा करने की बोला, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो चेकिंग हो रही है दोस्तों। यहाँ पर जब मेरी चेकिंग हो रही थी, तो उससे पहले मुझे यहाँ पर मेरी जो बेल्ट है, मेरी स्मार्ट वॉच, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, वो सब मुझे उतारने पड़े, जिसमें मेरे ईयरफोन, मोबाइल सब आ गए थे, और ये सब
निकालने के बाद में उन्होंने बोला कि ये सब उतारने पड़ेंगे और आपकी चेकिंग होगी। एक आर्मी के जवान ने मेरी चेकिंग करी और वो सारे सामान चेक हुए, तब जाके मुझे सब सामान मिले और वापस। और उन्होंने बोला कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं, तो आप यहाँ वीडियो मत बनाइए, ये हमारे पर्सनल रीज़न है कि अलाउ नहीं करते हम यहाँ पर किसी को वीडियो बनाना, तो नहीं बना पाया था, बट मैंने बता दिया। रही बात, मैंने टिकट जो इंडिगो की साइट है उसे ऑनलाइन करवाए थे और जो वो यहाँ पर मिल चुके हैं, तो टिकट दो हैं। तो दो इस प्रकार से कि पहला टिकट हमारा यहाँ से अगरतला टू कोलकाता है और कोलकाता से फिर न्यू दिल्ली है। हमारी फ़्लाइट का टाइम 11:45 है और हम मॉर्निंग में यहाँ पर 8:30 बजे आ गए थे एयरपोर्ट पे, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं आपको थोड़ा घुमा देता हूँ कि किस प्रकार का ये एयरपोर्ट है। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप वगैरह भी लगी हुई है लेकिन काफ़ी महंगी है। जो सामान यहाँ बाहर 20 या 30 रुपये का मिलता है, जो यहाँ पर 120, 130, 140, 150 रुपये तक का है, जो काफ़ी महंगा है यहाँ पर। और अगर आप लेना चाहें तो आपकी इच्छा है। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ लिफ्ट की भी सेवा है, लिफ्ट भी है, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पे आया हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर नीचे जहाँ सब कुछ चेक वगैरह होता है, और मैं भी सेकंड फ्लोर पर। जो आपको बता दूँ, यहाँ पर गेट नंबर 5 है, वो गेट नंबर 5 है और हमारा गेट नंबर 4 है, तो गेट नंबर 4 नीचे है, तो हम नीचे जाएंगे। लेकिन मैं आपको दोस्तों को दिखाने आया हूँ कि ये यहाँ पर कैसा है सीन, कैसी ये सीटें बनी हुई है, यहाँ लोग वेट करते हैं और हमारे पास समय काफ़ी है, तो हम वीडियो बनाएंगे, हम वेट नहीं करेंगे, तब तक टाइम हो जाएगा। ये दोस्तों देख रहे हो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, अगर किसी को भोजन पानी कुछ भी करना हो तो। फाइनल दोस्तों हम गेट नंबर 4 पे आ चुके हैं और यहीं से ही हमारा दरवाज़ा खुलेगा और यहाँ से हम जाएंगे। अभी काफ़ी टाइम है, तब तक मैं आगे आपको कुछ खाने की दुकानें बता देता हूँ, जहाँ आइसक्रीम की शॉप है, चाट वगैरह, कैफे और भी। एयरपोर्ट पे तो सारी सुविधाएं हैं, ऐसी सुविधाएं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छा है एयरपोर्ट भी, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है। देख रहे होंगे मैं ऊपर आ चुका हूँ सेकंड फ्लोर पे और ये मेरे नीचे। ये तो एयरपोर्ट पे खास चीज़ देखने को मिली, यहाँ पे स्मोकिंग जोन भी है लेकिन हम करते नहीं इसलिए जाते नहीं हैं। दोस्तों अब गेट खुलने वाले हैं, तो उससे पहले लोग बाग अब मेरे पीछे देखिए लाइन लग चुकी है, और जोन के आधार पर कि जोन 1, जोन 2, जोन 3 उनको लाइन में लगा के और उन्हें बाहर भेज देते हैं, और वहाँ पर बस आती है और बस लेकर फ्लाइट तक ले जाती है। हमारा जोन 2 है और जैसे हमारा नंबर आएगा मैं बताता हूँ आपको आगे, पता नहीं वीडियो बनाने देंगे नहीं या नहीं देंगे, लेकिन जैसे अगर बनाने दी तो मैं बना के आपको बताऊँगा आगे। तो चलते हैं जोन 2 में। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बोर्डिंग पास चेक हो रहा है, हमारा बोर्डिंग पास चेक हो चुका है और अब हम बाहर जा रहे हैं हवाई अड्डे के बाहर, तो दिखाता हूँ वहाँ के सीन आपको। चेकिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है और हमारे पीछे आप फ्लाइट देख रहे होंगे, ये हमारी फ्लाइट है, डायरेक्ट ही हम फ्लाइट में ही जा रहे हैं अंदर, यहाँ से कोई बस वस नहीं आई लेने, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। सो फाइनली दोस्तों मैं पहली बार फ्लाइट में बैठ चुका हूँ और किस्मत से अच्छी बात यह है कि मुझे विंडो के पास सीट मिली, विंडो के पास जहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारे नज़ारे दिखाऊंगा और मैं भी इंजॉय करूँगा उसे। ये बाहर का नज़ारा फ्लाइट का, लोग दिखाता हूँ, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। इसमें नंबर के आधार पर था, जैसे 16C थी मेरी, तो 16C ये ABC के हिसाब से थी ये सीटें, जैसे ये ए, ये बी और ये सी। ये मैडम कुछ समझा रही है। तो
हमारे आश्रमान कर्मी दल ईशान मोत्री काजोल और विश्वेता के मुख्य कर्मी दल हम हिंदी अंग्रेजी बांग्ला असामी और ओडिया बोल सकते हैं धन्यवाद लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स इट्स सिंपली वंडरफुल टू फ्लाई योर फ्लाइट 6512 विल टेक 45 मिनट्स टू रीच कोलकाता द क्रू इन द फ्लाइट डेक आर कैप्टन राहुल रमेश एंड फर्स्ट ऑफिसर एरिक मैल्कम एंड इन द कैबिन आर ईशान मोत्री So finally, दोस्तों, राइड चल चुकी है हमारी चल चुकी है पापा है और बुक है अभी हम हवाई अड्डे पे आ चुके हैं कोलकाता के पे काफ़ी बड़ा है और आपको बता दूं कोलकाता का जो एयरपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो काफ़ी बड़ा है और मैं इसको दिखाता हूं अभी आपको और ये अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग है अभी हम फ्लाइट से उतर के आए हैं तो देखो मेरे नीचे शॉप लगी हुई है और इधर पीछे बैकग्राउंड कितना काफ़ी लंबा है खाली है पूरा और ये इधर पुत का रास्ता कहाँ है बट हम तो जा रहे हैं इधर जो होगा देखा जाएगा
काफी बड़ा है यार, काफी मॉल की तरह लग रहा है पूरा। तो अभी यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होगी हमारी। हम अगरतला से आए हैं कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली जाएंगे, तो अब हमारे अंदर हम जा रहे हैं, देखते क्या होता है। तो फिर से चेक हो रहा है हमारा सामान वापस, हमने इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी सब खोल के रख दिए हैं, बेल्ट वगैरह। हाँ तो दोस्तों हमारी ट्रे आ चुकी है चेक होके, अभी हमारा सामान चेक हो चुका है। और दोस्तों यार यहाँ पर जैसे वो रेलवे स्टेशन पे लगा रहता है ना टाइम और ट्रेन नंबर और ट्रेन टाइम और ट्रेन नंबर वगैरह सब कुछ, और गेट नंबर प्लेटफॉर्म नंबर वगैरह उस पर, इसमें गेट नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, सेम ट्रेन जैसा ही है। काफ़ी अच्छा है यार ये, काफ़ी अच्छा लगा हम। और लिफ्ट से हम सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, जहाँ पर कई सारे गेट हैं, नीचे भी गेट थे और यहाँ भी कई सारे गेट हैं, और हमारा गेट नंबर 103 है जो नीचे है, तो अभी वहाँ से बैठेंगे। लेकिन हम ऐसे घूमना है, कुछ बताना है कि हाँ ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कैसा है कोलकाता का, यहाँ के कुछ सीन वगैरह। दोस्तों यार यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, अपंग लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए भी व्हीलचेयर का भी इंतजाम कर रखा है। दोस्तों मेरे सामने देख रहे हो जितने भी यहाँ पर फ्लाइट आती है वो सब लैंड होती है और यहीं खड़ी रहती है। यहाँ पर कई प्रकार की दुकानें भी खड़ी है, जैसे बच्चों के लिए टेडी वगैरह और स्पोर्ट्स, बच्चों के खेल कूद के आइटम, बुक्स वगैरह सबकी शॉप है। दोस्तों एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय है ना इसलिए, और काफ़ी सारी शॉप्स भी है और हर जगह पे यहाँ पे चेकिंग चेक। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ चेकिंग भी हो रही है हर जगह पे, चेकिंग एयरपोर्ट पे। बियर बार भी मिलेगा, लेकिन छोटा बियर बार है और ये कॉफ़ी का पास ही में। यहाँ पर चलने का भी है, अगर आप चलना नहीं पाते हो तो वो ऑटोमेटिक वाली सीट भी होती है, वैसे ही ये चलने की भी है, इससे हम कहीं दूर तक जा सकते हैं, बस खड़े हो जाओ। तो हम भी आ गए हैं इस पर। वापस से हमारे गेट नंबर 103 पर आ गए हैं और यहीं से सामने जो बस खड़ी है उसमें बैठ के और हम फ्लाइट तक जाएंगे। इसमें पहुंच चुके हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है बस में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। दोस्तों अभी हम फ्लाइट के पास आ चुके हैं और अब हम बैठेंगे। ये
इसका इंजन काफी आवाज कर रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। फ्लाइट में अंदर जाने के लाइन में लग चुके हैं और इंजन काफी शोर कर रहा है, देख रहे होंगे दोस्तों काफी लंबी लाइन लगी हुई है। फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं, ये एंट्री हो चुकी है, हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और अब ये कोलकाता से निकलने वाली है जो हमें नई दिल्ली उतारेगी 5:30 बजे तक। मिनिमम 3 घंटे लगेंगे पर ठीक है, इसका टाइम 2:45 था लेकिन 3 बजे चलेगी और चलो चलते हैं। पहली बार सीट खिड़की के पास मिली थी लेकिन इस बार सीट एकदम किनारे पे मिली है जिससे मूड ऑफ हो गया। बाथरूम है, काफ़ी छोटा बाथरूम है जिसमें केवल एक आदमी खड़ा हो जाए उतना ही बड़ा बाथरूम है। इसका दरवाज़ा ये ऐसे लॉक होता है इसको इधर करने से और ये हैंड वॉश करने के लिए गर्म पानी आता है और इस प्रकार की आवाज़ भी कर देता है। ये टॉयलेट है, काफ़ी साफ है बाथरूम, बाकी ठीक है। लगेज रखने के लिए ये सीट के ऊपर, फाइनली दोस्तों अभी हम उतर चुके हैं न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। ये हमारे पीछे बस है, इसी से हम एयरपोर्ट पर जाएंगे और वहां से दोस्तों हम इंडिगो की बस में बैठ चुके हैं जो हमें एयरपोर्ट पर छोड़ेगी। और इस बार आप ज़्यादा भीड़ नहीं है बस में, जबकि हम जब कोलकाता से एयरपोर्ट से हम फ्लाइट तक गए थे तब बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अब हम चल रहे हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। क्या सीन है, कैसा एयरपोर्ट है दिखाऊंगा अगर थोड़ा बहुत हो सका तो। एकदम मॉल की तरह है यार दोस्तों, दिल ये लगेज। अभी हम आए हैं हमारा लगेज लेने जो हमने अगरतला में जमा करवाया था दोस्तों। इस देखिए लगेज आ रहे हैं, हमारा भी पीछे आ रहा होगा। तो काफी समय बाद फाइनली अपना बैग आ गया है।
कुछ इस प्रकार की डिजाइनें भी बनी हुई है एयरपोर्ट के अंदर। और ये किसी का लगेज अगर ज़्यादा हो तो इसमें अपना लगेज रख के भी एयरपोर्ट के बाहर ले जा सकते हैं, पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास लगेज ज़्यादा नहीं है। अभी हम चल रहे हैं एग्जिट द्वार पे एयरपोर्ट के। हम निकल चुके हैं न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट से बाहर और अब जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन। और हम सुबह 11 बजे फ्लाइट में बैठे थे, उसके बाद में हम 1 बजे कोलकाता पहुँचे और उसके बाद में 3 बजे हमारी फ्लाइट थी न्यू दिल्ली के लिए, जो हमें 6 बजे न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतारा। और अभी हम बाहर आ चुके हैं और ये ऐसी टूर रहा हमारा पहला। और आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा माय फर्स्ट जर्नी फ्लाइट। पसंद आया हो तो लाइक करना ना बोले। धन्यवाद।